सिवनी में पुलिस ने एक कार से 7 किलो सोना और आधा किलो चांदी जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने सुनारी मोहल्ला में अवैध रूप से 7 किलो सोना और लगभग आधा किलोग्राम चांदी जब्त की है। SDOP पारुल शर्मा ने बताया कि कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सोना और चांदी लेकर आया है, जिसके बाद तत्काल घेराबंदी कर बताए गए वाहन की तलाशी ली गई और अवैध रूप से ले जा रहे सोना चांदी को जब्त कर लिया गया। वाहन में मौजूद मथुरा के राजेश गुप्ता से जब इसके दस्तावेज मांगे गए तो वो कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। सोनारी मोहल्ले में एक जानकारी प्राप्त हुई मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली को कि एक मारुति डिजायर गाड़ी है, जिसमें सोने और चांदी का सामान गहने लेकर के कुछ लोग आए हुए हैं, संदिग्ध अवस्था में हैं। तो यहाँ के स्टाफ ने जाकर के वहाँ पे दबिश दी, गाड़ी को घेराबंदी करके पकड़ा और उस गाड़ी में से लगभग 7 किलो चांदी और लगभग आधा किलो सोना बरामद किया। चूँकि सामने वाले पक्ष के पास उसके कोई बिल प्रस्तुत नहीं किए गए, अतः संदिग्ध अवस्था में 102 में इसकी जब्ती की गई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।